हाँ हाँ जी, जी तो मैं इसके बिल्कुल प्रोजेक्शन में इन लोगों के बाहर खड़े रहूंगा, ठीक है, प्रोजेक्शन में। बार बार बोल के बना रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्री पे ही सारा कुछ डिपेंड करेगा। देखो ये प्लेन का, प्लेन के सामने प्लेन है, ग्राउंड के सामने यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड लेवल ही आपने बनाना है, जैसे आप ड्राइंग में बनाते थे। ये 300 है, ये भी 300, ये 400, ये 500, ये 600 और ये 900। क्लियर है सबको? हाँ जी ये कितना है प्लेन पर, ग्राउंड में पर कितना है, 0.4 का। उसके बाद कितना के माने, 0.22, 0.3, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3, ऐसे ही सेम यहाँ पे 0.4 का फर्क है, 0.2, 0.2, 0.2, 0.3। ये क्लियर है? देखो जी ये जो लेफ्ट साइड वाली है वो ये वाली लॉन्ग बॉल टू बनाई है आपने, जो राइट साइड वाली है वो लॉन्ग बॉल नंबर वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन बन गया, यहाँ पे सेक्शन बन गया, पर इसके बीच में सेक्शन लाइन जा रही है, जो कि किस बॉल से जा रही है, जिसकी थिकनेस है 200 mm, है ना? हाँ जी जी सर जी। तो इसके अंदर ये जितना पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो ये पोर्शन है, तो हाँ जी ये जी मैं कह रहा हूं जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन है ना 200 वाला, वो हाँ जी हाँ इस डायग्राम में ये वाला हिस्सा जी हाँ है कि नहीं? जी हाँ जी हाँ सर जी हाँ यही जी। तो ये जो इस हिस्से में जो दीवार बनी हुई है वो 200 वाली बनी हुई है, तो हाँ जी इसमें सर 200 वाली दीवार बनाओ फिर, ठीक है जी ठीक। देखो याद रखना प्लेथ लेवल हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। प्लेथ जी लेवल हाँ जी सर आपने बराबर रखनी है, तो ये प्लेथ है, ये प्लेथ है। अब जी तो देखो सर यहाँ पे प्लेथ और ग्राउंड में 400 का फर्क है, 200 वाली दीवार हाँ में, जी 200 वाली दीवार में प्लेन और ग्राउंड में 400 का फर्क है, हाँ जी हाँ हाँ जी जी सर। तो यहाँ पर भी देखो, तो ये यहाँ हाँ जी सर थोड़ा आगे आगे बोलो माइक से। देखो ये प्लेन लेवल है, हाँ जी ये ग्राउंड लेवल सर आवाज जी। गई थोड़ा आगे आगे बोलो। प्लेन और ग्राउंड में 400 का फर्क है, 300 mm दीवार में, हाँ हाँ जी जी सर। तो यहाँ पर भी 400 ही रहेगा, हाँ हाँ जी जी। तो हमारी ये बने, क्लियर ठीक है है? जी उसके बाद देखो ध्यान से देखना है आपने, ये कितना फर्क है 0.1 का, ठीक है, 0.1 का। अब इसमें 0.1 बनाना पड़ेगा,
ये कितना है पॉइंट टू, ये पॉइंट टू है ना? यस सर। हाँ जी। तो पॉइंट वन इसके आधे पे आएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो आधे पे पॉइंट वन कहाँ आएगा? आगे भी। पॉइंट वन का स्टेप बनाना पड़ेगा आगे भी। क्लियर है? ये ब्रेक लाइन। ठीक है सर। ठीक है, तभी कह रहा हूँ ये प्रोजेक्शन में बनेगी चीजें, सिमेट्री में बनेगी तो समझ आएगी, ऐसा नहीं आएगी। ठीक है, स्टेप के चो बनाना। यहाँ पे बनाया गया, देखो ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट वन है। हाँ जी। ये पॉइंट वन डायग्राम में कहाँ पे है? ठीक है जी। ऐसे नहीं बनेगा ये। उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर पॉइंट वन से नीचे पॉइंट दो है। हाँ जी सर। तो आपको पॉइंट दो उधर सिमेट्री में बनाना पड़ेगा। देखो पॉइंट दो कैसे बनाना है, ये रह गया पॉइंट वन, ये आ गया पॉइंट वन, बीच में आ जाएगा ये साधन। यहाँ पे कोना बन जाएगा। ठीक है जी। इक्वल फाउंडेशन होती है ऐसी। उसके बाद देखो, फिर उसके बाद देखो कितनी डेप्थ है यहाँ पर पॉइंट टू की है पीसीसी के लिए। हाँ जी सर जी। इसको फिर पॉइंट टू नीचे लेके आना पड़ेगा। ये कितना है पॉइंट वन और ये कितना पॉइंट टू? पॉइंट टू की है। सर टाइम अप होने लगा, दोबारा ज्वाइन करा लो। ये पीसीसी है, इस तरीके से सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन अलोंग ए बी। ठीक है सर। इसी तरीके से दोबारा सेक्शन